Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Psychology Facts by Laura. So students, आज की वीडियो का टॉपिक है एफ ए पार्ट 2016 सप्लीमेंट्री साइकोलॉजी पेपर. और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2016 सप्लीमेंट्री साइकोलॉजी पेपर के सॉल्व ऑब्जेक्टिव पार्ट को विद एक्सप्लेनेशन इन उर्दू. सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे अपडेट्स मेरे चैनल से रिलेटेड मिलती रहे. तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ. नंबर वन, अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज द पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड चेंजेस दैट अकर थ्रू आउट द लाइफ इज कॉल्ड ऑप्शन ए चाइल्ड साइकोलॉजी, ऑप्शन बी सोशल साइकोलॉजी, ऑप्शन सी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड ऑप्शन डी साइकोलॉजी ऑफ एडोलेसेंस. ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जो असेस करती है ग्रोथ को और जो जो ओवरऑल चेंजिंग आ रही होती हैं एक इंडिविजुअल की लाइफ में फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड और किस तरह से वो ओल्ड एज तक पहुंचता है, इट्स बेसिकली द रोल ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी असेस करती है ग्रोथ को, चेंज को थ्रू आउट द लाइफ स्पैन. नंबर टू, दैट इज द प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड चेंजिंग एज द फंक्शन ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस. एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर चाइल्ड ओवरऑल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करता है और उसकी जो वर्ल्ड के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद द एज और एक्सपीरियंसेस चेंज होते हैं. सो विच इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन ए इज सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी फिजिकल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन डी मॉरल डेवलपमेंट. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट. कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेसिकली डील करती है थॉट्स के साथ, फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ और ये बेस करती है एज और एक्सपीरियंसेस पे. सो ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर असेस किया जा सकता है कि चाइल्ड कब जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को, लॉजिक्स को जो है वो अंडरस्टैंड करता है, कौन सी पर्टिकुलर एज पे जाके वो इन चीज़ों को अच्छे से टैकल कर सकता है. Number three, the awareness that objects and people continue to exist even if they are out of sight is termed as option A, object permanence, option B, egocentric thought, option C, reversibility, option D, conservation. Overall, जब एक child assess कर सकता है या aware होता है कि object अगर उसकी sight पे या उसके सामने मौजूद नहीं है लेकिन still उसकी existence है इस दुनिया में, सो इस अवेयरनेस को बेसिकली ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं कि चाइल्ड को पता है कि अगर उसके सामने एक पर्टिकुलर टॉय प्रेजेंट नहीं है बट इट स्टिल एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, लेकिन वो मेरी साइट के सामने नहीं है या मुझे नजर नहीं आ रहा. नंबर फोर, अ वे ऑफ थिंकिंग इन विच द चाइल्ड व्यूज द वर्ल्ड इंटायरली फ्रॉम हिज और हर ओन पर्सपेक्टिव इज कॉल्ड ऑप्शन ए डिसेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन बी ईगोसेंट्रिक थॉट, ऑप्शन सी एसिमिलेशन एंड ऑप्शन डी ऑपरेशन. जब चाइल्ड एक ऐसी स्टेज पे होता है कि अपने ही पर्सपेक्टिव को बेस्ट मानता है और दूसरों के पर्सपेक्टिव को निगेट करता है, तो इसको लगता है ही इज द राइट और बाकी जो भी कह रहे हैं वो रॉन्ग हैं या उनके उनकी जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स हैं वो रॉन्ग हैं. सो इट्स बेसिकली ईगोसेंट्रिक थॉट. ईगोसेंट्रिक थॉट के अंदर चाइल्ड की इतनी ज़्यादा एबिलिटी नहीं होती कि दूसरों के पर्सपेक्टिव, दूसरों के आइडियाज़ को एक्सेप्ट करें और उसे अपने ही आइडियाज़ जो हैं वो ट्रू लग रहे होते हैं, राइट लग रहे होते हैं. नंबर फाइव, विच थ्योरी सजेस्ट दैट पैसेज थ्रू ईच ऑफ द स्टेज नेसेसिटेट्स द रेजोल्यूशन ऑफ क्राइसिस और अ कॉन्फ्लिक्ट. ऑप्शन ए जेन पियाजे, ऑप्शन बी एरिक्सन, ऑप्शन सी फ्रॉइड एंड ऑप्शन डी लॉरेंस कॉलबर्ग. इट्स एरिक एरिक्सन और एरिक एरिक्सन ने अपनी एक थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी जो स्टेजेस की. बेसिकली अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन देयर आर एट स्टेजेस जिसके जरिए इंसान जो है वो डिफरेंट क्राइसिस को रिजॉल्व करता है और नेक्स्ट स्टेज को मीट करता है. अगर वो क्राइसिस या कॉन्फ्लिक्ट मीट नहीं होते तो कुछ जो है उनके अंदर कॉम्प्लेक्सेस रह जाते हैं या कुछ ओवरऑल कह सकते हैं कि कमियां रह जाती हैं उनकी पर्सनालिटी में. सो हर स्टेज के अंदर कोई ना कोई क्राइसिस होते हैं, अगर जो क्राइसिस को मीट करता है या क्राइसिस को रिजॉल्व कर देता है बेसिकली उनके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं जिसमें ऑटोनॉमी है,
ट्रस्ट है, ओवरऑल इंडिपेंडेंस, ये सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स तभी डेवलप होते हैं जब एक पर्टिकुलर स्टेज को वो अच्छे से रिजॉल्व करता है, उसके क्राइसिस को ओवरऑल रिड्यूस करता है। नंबर सिक्स, अ जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम और GAS इज अ थ्योरी डेवलप्ड बाय हैंस ज़ाइरे व्हिच सजेस्ट दैट पर्सन रिस्पॉन्स टू अ स्ट्रेसर कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए 7 स्टेजेस, ऑप्शन बी 5 स्टेजेस, ऑप्शन सी 4 स्टेजेस एंड ऑप्शन डी 3 स्टेजेस। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम थ्योरी या फिर GAS थ्योरी या ओवरऑल इसको स्ट्रेस मॉडल भी कहा जाता है, ये हैंस ज़ाइरे ने डेवलप किया था और इसके अकॉर्डिंगली 3 स्टेजेस जो होती हैं वो स्ट्रेस मॉडल के अंदर होती हैं। जब भी एक पर्सन स्ट्रेस को फेस करता है, सबसे पहले अलार्म स्टेज होती है जिसमें वो हाईली अलर्ट होता है कि फ्लाइट और फाइट सिचुएशन होती है कि उसको या फिर वो सिचुएशन से फाइट करता है या फिर बिल्कुल ही फ्लाइट करता है। इसके बाद आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस स्टेज के अंदर वो देखता है कि क्या स्ट्रेसफुल सिचुएशन अवॉइडेबल है या नहीं है। अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन बहुत टाइम के लिए है, उसको पता है कि ये लॉन्ग टर्म है, तो उसके साथ साथ वो थोड़ा टाइम के लिए रेजिस्टेंस शो करता है या थोड़ा एडजस्ट होना शुरू कर देता है, यानी उसके फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शंस होते हैं वो बिल्कुल उसी तरह से कंटिन्यू होते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। और लास्ट स्टेज होती है वो एग्जॉस्टन की होती है, जिसमें उसके जितने भी फिजियोलॉजिकल ओवरऑल हम कह सकते हैं एनर्जी होती है वो यूटिलाइज हो जाती है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं वो एक ऐसी स्टेज पे आती है जब ओवरऑल बॉडी का जो पूरा प्रोसेस है यानी होमोस्टेसिस है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है। सो हम कह सकते हैं कि जो लास्ट स्टेज होती है वो एग्जॉस्टन की होती है, जिसमें अगर स्ट्रेस थोड़ा सा भी टाइम और कंटिन्यू होता है तो वो डिप्रेशन, एनजाइटी या किसी भी मेंटल डिसऑर्डर की तरफ लीड कर सकता है। सो GAS सिंड्रोम के ओवरऑल 3 स्टेजेस हैं, जिसमें अलार्म, रेजिस्टेंस एंड एग्जॉस्टन है। नंबर 7, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड एन इंडिविजुअल ट्राइड टू एंड हिज एंजाइटी थ्रू डिफेंस मैकेनिज्म्स। फ्रॉइड ने ये बात की थी कि एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए या ख़त्म करने के लिए इंडिविजुअल्स डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज करते हैं जो कि यूजली अनकॉन्शियस होते हैं। ज़्यादातर डिफेंस मैकेनिज्म्स अनकॉन्शियस एस्पेक्ट पे काम करते हैं या अनकॉन्शियसली वो पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिव रोल प्ले करते हैं ह्यूमन की पर्सनालिटी में। जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे हम डील करने के लिए कुछ मैकेनिज्म यूटिलाइज करते हैं जो कि अनकॉन्शियस लेवल पे होते हैं। नंबर 8, द एक्सेसिव डिपेंडेंस और यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स लीड टुवर्ड्स ऑप्शन ए कंस्ट्रक्टिव कोपिंग, ऑप्शन बी बेटर एडजस्टमेंट, ऑप्शन सी मैलएडजस्टमेंट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी मैलएडजस्टमेंट। जब एक पर्सन या इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज्म यूटिलाइज करता है और लंबे अरसे के लिए उन पर डिपेंडेंट हो जाता है तो वो मैल एडजस्ट हो जाता है अपनी लाइफ में, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म्स यूजली अगर अनकॉन्शियस लेवल पर बेस करते हैं, अगर वो कुछ टाइम के लिए होते हैं तो दे वुड बी अफेक्टिव कि पर्सन जो है वो कोप कर सकता है, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए यूटिलाइज करना शुरू कर देता है या डिनाइल की स्टेट में रहना शुरू कर देता है, रियलिटी को फेस नहीं करता, तो उस पर्सन को हम मैल एडजस्टेड कहेंगे क्योंकि वो डिपेंडेंट हो गया है डिफेंस मैकेनिज्म्स पे। नंबर 9, इफ द स्ट्रेस सिम्टम्स परसिस्ट फॉर मोर देन 1 मंथ देन एंजाइटी डिसऑर्डर विल बी टर्म्ड एज ऑप्शन ए एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, ऑप्शन बी पैनिक डिसऑर्डर, ऑप्शन सी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड ऑप्शन डी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर स्ट्रेस सिम्टम्स मोर देन 1 मंथ अगर वो परसीव करते हैं या कंटिन्यू रहते हैं तो हम उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर कैटेगराइज करेंगे। अगर सिम्टम्स जो हैं वो लेस देन 1 मंथ, यानी अभी मोर देन 1 मंथ को हम कैटेगराइज करते हैं, मोर देन 1 मंथ जो है वो पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में आएंगे, अगर लेस देन 1 मंथ है तो हम इसे एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर कहेंगे। सो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। नंबर 10, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेटिव्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट आर मोर वल्नरेबल टू द डिजीज, ऑप्शन ए इन लॉस, ऑप्शन बी कोलीग्स,
ऑप्शन सी पीयर ग्रुप एंड ऑप्शन डी ब्लड रिलेशंस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस के स्किज़ोफ्रेनिया में जेनेटिक फैक्टर्स को भी ज़्यादा हाईलाइट किया गया है कि जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो ओवरऑल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया के लिए। सो ब्लड रिलेशंस ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस डिजीज के। नंबर 11, प्रेजेंस ऑफ डैश डोपामाइन इज द कॉज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ऑप्शन ए लो क्वांटिटी, ऑप्शन बी एक्सेस, ऑप्शन सी लिटिल एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एक्सेस। एक्सेस ऑफ डोपामाइन बेसिकली लीड्स टू स्किज़ोफ्रेनिया। डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन है जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के कॉज होने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नंबर 12, डैश इज अ फॉर्म ऑफ एटीट्यूड चेंज व्हेन पॉजिटिव एटीट्यूड बिकम मोर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड बिकम मोर नेगेटिव। ऑप्शन ए इनकॉन्ग्रुएंट चेंज, ऑप्शन बी कॉन्ग्रुएंट चेंज, ऑप्शन सी कंसिस्टेंट चेंज एंड ऑप्शन डी इनकंसिस्टेंट चेंज। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी कॉन्ग्रुएंट चेंज। सो हम सबसे पहले याद करेंगे एटीट्यूड के टू टाइप्स हैं, जिसमें ओवरऑल एटीट्यूड चेंज के बेसिकली टू टाइप्स हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है कॉन्ग्रुएंट चेंज और नंबर 2 पे आता है इनकॉन्ग्रुएंट चेंज। कॉन्ग्रुएंट चेंज बेसिकली वो चेंज है जिसमें एक पर्सन का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है किसी भी सर्टेन चीज़ के बारे में, या फिर अगर नेगेटिव है पहले से तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ही डायरेक्शन में जाता है, अगर पॉजिटिव है तो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और अगर नेगेटिव है तो ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी भी सर्टन प्रोडक्ट को लाइक करते हैं या अगर उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ देखते हैं तो क्या होता है कि आप उस प्रोडक्ट को ज़्यादा लाइक करना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उसके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपका बन जाता है। इसी तरह ह्यूमन से रिलेटेड भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जिस पर्सन को आप लाइक करते हैं अगर आप उसके बारे में अच्छे कमेंट सुनते हैं तो यू स्टार्ट लाइकिंग हिम मोर। इसी तरह अगर हम इनकॉन्ग्रुएंट की बात करें तो इनकॉन्ग्रुएंट में ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। अगर आप पहले से आपके किसी के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो कुछ टाइम बाद अगर वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। इसी तरह जिसके बारे में नेगेटिव एटीट्यूड था वो कुछ टाइम बाद आपका जो पॉजिटिव हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ इनकॉन्ग्रुएंट चेंज। सो एटीट्यूड की दो टाइप्स हैं, कॉन्ग्रुएंट एंड इनकॉन्ग्रुएंट चेंज। Number 13, dash refers to authority that a person gets because of his official capacity. Option A, nominal leadership. Option B, democratic leadership. Option C, bureaucratic leadership. And option D, authoritarian leadership. The right option is option B, democratic leadership. Overall, if person jab authority access karta hai, वो बेसिकली अगर ऑफिशियल कैपेसिटी की बेस पे करेगा तो वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप कहलाएगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक लीडरशिप यूजली सेलेक्टिव होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं और ओवरऑल उनकी क्वालिटीज हाईलाइटेड होती हैं, दैट्स वाई वो कैपेबल होते हैं लीडरशिप के लिए। नंबर 14, बोगार्डस सोशल डिस्टेंस स्केल इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ऑप्शन ए पर्सनैलिटी, ऑप्शन बी एप्टीट्यूड, ऑप्शन सी इंटेलिजेंस and option D attitude. And the right option is option D attitude. Bogardus social distance scale basically assess karta hai ki ek person ka overall attitude kya hai ethnic groups ki taraf, ethnic minorities ki taraf, different overall classes ki taraf ya races ki taraf. So attitude ya prejudice ko assess kiya jata hai Bogardus social distance scale ke zariye. Number 15, achievement motive is the highest in children who are reared by a dash parenting style. Option A, ignoring. Option B, indulgent. Option C, democratic. And option D, authoritarian. The right option is option D, authoritarian. अगर overall हम parenting styles की बात करें तो parenting styles में ignoring parenting style आता है और authoritarian parenting style आता है। इसके अलावा साथ साथ अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल और परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। सो ओवरऑल अगर
अचीवमेंट मोटिव की बात की जाए तो अचीवमेंट मोटिव यूजली हाई होता है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में, लेकिन वो ऑप्शन यहाँ नहीं है. सो द मोस्ट रेलिवेंट इज अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल. और अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में यूजली हर चीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है. पेरेंट्स रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा लगाते हैं हर चीज़ पे. लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है, अगर अचीवमेंट मोटिव हाईएस्ट है वो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में है. सो इट वुड बी बेस्ट टू सेलेक्ट ऑप्शन डी फॉर दिस स्टेटमेंट. नंबर 16, कार्ल रॉजर्स वॉज एन इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ ऑप्शन ए गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट, ऑप्शन बी साइकोएनालिसिस, ऑप्शन सी बिहेवियरिज्म एंड ऑप्शन डी ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट. कार्ल रॉजर्स जो है वो ओवरऑल फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट भी कहा जाता है, क्योंकि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मास्लो का काम है. नंबर 17, मेजर टारगेट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस आर ऑप्शन ए बॉयज, ऑप्शन बी किड्स, ऑप्शन सी मेन एंड ऑप्शन डी वुमेन. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी वुमेन. नंबर 18, अकॉर्डिंग टू कार्ल रॉजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ साइकोथेरेपी. रॉजर्स के अकॉर्डिंगली साइकोथेरेपी के सक्सेस के लिए एक ऑप्शन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. ऑप्शन ए है एम्पैथी, ऑप्शन बी अपैथी एपैथी, ऑप्शन सी कॉन्ग्रुएंस एंड जेन्युइननेस एंड ऑप्शन डी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एपैथी. एम्पैथी कॉन्ग्रुएंस एंड जेन्युइननेस और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं या फैक्टर्स हैं कार्ल रॉजर्स ह्यूमनिस्टिक या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी की. ओवरऑल इसमें क्लाइंट को एम्पैथी शो की जाती है, कॉन्ग्रुएंस जो है वो फॉर्म की जाती है, जेन्युइननेस शो की जाती है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड शो किया जाता है कि क्लाइंट को एक्सेप्ट किया जाता है उसके फ्लॉज के साथ, उसके प्रॉब्लम्स के साथ. सो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ए फैक्टर जो है वो कार्ल रॉजर्स की थ्योरी या थेरेपी का हिस्सा नहीं है. नंबर 19, विच वन इज नॉट द पैटर्न ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर. ऑप्शन ए फोबिया, ऑप्शन बी वॉयलेंस, ऑप्शन सी प्रेजुडिस एंड ऑप्शन डी सेक्सुअल हरासमेंट. एंटी सोशल बिहेवियर में यूजली पर्सन वॉयलेट करता है रूल्स को, प्रेजुडिस शो करता है और सेक्सुअली हरास भी करता है. सो फोबिया इज नॉट द पैटर्न ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर. वो फोबिक नहीं होता, उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता. नंबर 20, अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड ड्रीम्स हैज ऑप्शन ए मैनिफेस्ट कॉन्टेंट, ऑप्शन बी लेटेंट कॉन्टेंट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. ओवरऑल अगर हम बात करते हैं फ्रॉइड की ड्रीम एनालिसिस के बारे में, तो फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली ड्रीम के कंटेंट को हम दो तरह से असेस कर सकते हैं. एक मैनिफेस्ट कंटेंट जो कि ज़ाहरी होता है, जो कि ड्रीम होती है, और दूसरा जो है वो लेटेंट कंटेंट है, यानी उसका हिडन मीनिंग क्या है, एक ड्रीम क्या कन्वे कर रही है, जो नाइट मेयर्स होते हैं वो बेसिकली क्या कन्वे कर रहे हैं और उनका मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है. So that's all from the today's video. Thank you for watching. If you have any query, please ask in the comments. And please subscribe the channel for the latest updates. Thank you.